ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 21वें दिन की, और 21 सितंबर है आज। एंड परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि आज हम अपने दिल में करुणा भाव जागृत करें। ये करुणा भाव अगर आप कहेंगे तो कैसे कर सकते हैं? इंसान तो आज बहुत ही मतलबी हो गया है। लोग आज भ्रष्टाचार में घुसे हुए हैं। लोगों के पास अपने लिए किसी के लिए टाइम नहीं, सिर्फ अपने के लिए टाइम है। हम औरों को क्या मौसी दिखाएंगे? लोग हैं ही ऐसे, जैसे कर्म कर रहे हैं उनको वैसे ही मिलना चाहिए। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि वो सब के सब बेगुनाह हैं, उनको पता नहीं है, करते हुए भी उनको पता नहीं कि उनके अंदर ताकत नहीं सही काम करने की। तो हम करें क्या फिर? इसलिए परमात्मा कहते हैं, रहम की भावना को इमर्ज कर, दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। तो ये रहम की भावना कब आएगी? जब हम मर्सी को यूज़ करेंगे, जब हम औरों को माफ़ करेंगे, जब हमारे अंदर औरों के लिए करुणा आएगी। इसमें एक्चुअली हमारी खुद की हीलिंग होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ अपने लिए ही लेते हैं लेते हैं लेते हैं लेते हैं, मेरी हीलिंग हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ही सब कुछ हो जाऊँ, और हम अगर देते नहीं हैं, तो जैसे कि एक तालाब में अगर पानी स्थिर हो जाता है तो वो सड़ना शुरू हो जाता है। और अगर वो तालाब का पानी अगर फ्लो कराना शुरू कर दो आप, तो उसमें कहीं से फ्रेश वाटर आ रहा है और वो तालाब का पानी फ्लो कर रहा है, तो वो फ्रेश रहेगा। इसलिए हमें खुद के लिए ही सिर्फ मेडिटेशन नहीं करना है, खुद के लिए ही अच्छे थॉट्स नहीं क्रिएट करना, हमें दुनिया के लिए भी थॉट्स अच्छे क्रिएट करना है, ताकि हम पूरी दुनिया और अपने आप को भी हील कर पाएँ साथ साथ। तो परमात्मा कहते हैं, प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं। प्रकृति की हलचल मतलब क्या हुआ? बाढ़ आई, भूकंप आया, या ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई अगर, है ना, जिसमें लोगों को बहुत नुकसान होता है, जान का होता है, माल का होता है नुकसान, बहुत चीज़ों का होता है, और आत्माएं चिल्लाती हैं, तंग होती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं। तो अपने मर्सीफुल रूप को इमर्ज कर, उनकी पुकार सुनो। और ये कब करते हैं हम? जनरली सुबह उठ करके, जब हमारे पास में अपने लिए इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मैं कमाऊँ कहाँ से, कब जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँगा, जब हम बिल्कुल क्वाइट होते हैं, शांत होते हैं, और उस समय हमारे पास में टाइम होता है और अपने सोचने के लिए। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। अगर हम खुद ही अपने ही प्रॉब्लम्स में अगर उलझे हुए हैं, हमारे अंदर इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है चीज़ों में, तो हम आप सोचिए ज़रा, आप अगर फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, गुस्से में, अगर आपको कोई बोले कि किसी लिए दुआ पैदा करो, कर पाएंगे? टाइम लगेगा। चेंज कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। इसलिए अपनी खुद की पहली अवस्था बनाओ, अपने आप को कुछ हायर वाइब्रेशन में लेके आओ। वो कुछ हायर वाइब्रेशन जो है उधर तक पहुंच करके तब आप औरों को वाइब्रेशन भेज सकते हो। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो, अपने परिवर्तन की और औरों के परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से ये दुख की दुनिया संपन्न समाप्त हो जाएगी। इमेजिन, हमारे लिए वेट कर रही है दुनिया चेंज होने के लिए। इसलिए स्वयं प्रति, चाहे सर्व आत्माओं के प्रति, रहम की भावना इमर्ज करो। स्वयं के प्रति क्यों रहम की भावना? इरिटेशन के संस्कार हैबिट्स हैं, फ्रस्ट्रेशन होने के संस्कार हैबिट्स हैं, है ना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा होने की हैबिट्स हैं, इनको चेंज करो, बिकॉज ये हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अपने ऊपर रहम भी करो और औरों के ऊपर भी रहम करो। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। मेरे तरीके से चलना चाहिए, मेरे आइडिया से चलना चाहिए, सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी जहाँ पर तेरा मेरा नहीं होगा। और ऑटोमेटिकली हम औरों के बारे में सोच पाएंगे और सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, सेल्फिशनेस हमारी ख़त्म हो जाएगी। ये करें कैसे, ये ताकत कैसे आए, ताकि हम औरों के भी प्रे कर पाएँ, औरों को भला कर पाएँ और अपने आप को भी स्टेबल कर पाएँ, ये हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी। इसमें आप भी आकर के वहाँ पे सीख सकते हैं ईश्वरीय ज्ञान को। इसके साथ ओम शांति।